हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम क्लास 9th फिजिक्स का एक नया लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे स्पीड की, कि स्पीड क्या होता है। बिल्कुल इजी वे में आपको हम स्पीड के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। स्पीड सभी ने स्पीड सुना है, लेकिन स्पीड होता क्या है एक्चुअल में, उसको आज हम आपको इस लेक्चर में बताएंगे। तो स्पीड को बोलते हैं चाल, स्पीड को क्या बोलते हैं चाल, ठीक है। और स्पीड होता क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम टेकन, क्या बोलते हैं। स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम टेकन। स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम टेकन, लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मतलब लिखेंगे डी अपॉन में एस इज इक्वल टू डी अपॉन में टी इज इक्वल टू एस। एक फार्मूले के तौर पे लिखा जाए, ऐसे एक ट्रेंगल बना लेते हैं, इसको मान लेते हैं स्पीड और एक को मान लिए डिस्टेंस और एक को मान लिए टाइम। स्पीड इज इक्वल टू, या इसको मान लेते हैं डिस्टेंस, क्या मान लिया जाए डिस्टेंस, इसको स्पीड, इसको टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहाँ से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये तीन फार्मूले इस ट्रेंगल से हमको मिले, इस ट्रेंगल से हमको क्या मिले, तीन बिल्कुल इजी वे में मिल गए। स्पीड को तीन तरह से लिखा जा सकता है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। स्पीड जो होता है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्यों होता है, क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इनके पास डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे समझा जाए, मान लिया जाए किसी ऑब्जेक्ट को या किसी पर्सन को, पर्टिकुलर किसी पर्सन को हमने बोला कि आप 30 की स्पीड में चलें, 30 की स्पीड में बाइक को भगाएं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बाइक की स्पीड बढ़ा रहा है, ना कि किस डायरेक्शन में, क्या कर रहा है स्पीड बढ़ा रहा है, मतलब उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। क्या बोला, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट की बात कर लिए, स्पीड स्केलर फिजिकल क्वांटिटी की बात कर लिए, डायमेंशन की बात, डायमेंशन ऑफ स्पीड m0 lt^-1। m0 का मतलब क्या है, m का मतलब मास, यहाँ कोई मास नहीं दिख रहा है, यम का मतलब मीटर, मीटर को लेंथ से एल से डिनोट करते हैं, तो एल के पावर क्या हो गया 1। और नीचे टाइम एस सेकेंड है, एक सेकेंड, जब ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा t^-1। ऐसे क्वेश्चन है, कन्वर्ट किलोमीटर पर हावर इनटू मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है, किसको 36 किलोमीटर पर हावर को, 36 किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकेंड में अगर बदलना हो तो हम काम क्या करेंगे। सबसे पहले हम काम क्या किया जाए, तो लिखेंगे फार्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसका मतलब जो है कि ऑब्जेक्ट कितना किलोमीटर चला है 36 किलोमीटर, और टाइम कितना चला है 1 आवर, मतलब एक घंटे में 36 किलोमीटर चला है। अब किलोमीटर को किस में बदलना है, मीटर में,
हमें मालूम है कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। यह भी मालूम है कि 1 आवर में 60 मिनट होता है और 60 मिनट में पर 60 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। हर मिनट में 60-60 सेकेंड होंगे तो 60 मिनट में 60 × 60 3600 सेकेंड की बात कर लेंगे। किसकी बात कर ली? 3600 सेकेंड, 3600। तो लिखेंगे 36000, क्योंकि इसको मीटर में कर लिए, अपॉन में 3600 सेकेंड। कैंसिल आउट, कितना बचा? 10 मीटर पर सेकेंड। कितना बचेगा? 10 मीटर पर सेकेंड। कुछ नहीं किए हम, सिंपल सा काम किए हैं कि कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर × मीटर पर सेकेंड। 36 किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलना है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 36 किलोमीटर में 36000 मीटर। 1 आवर में 3600 सेकेंड, तो किसकी बात कर रहे हैं? 1 आवर की, 3600 सेकेंड से डिवाइड कर दिए, मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड। आपका क्वेश्चन है, सेकेंड आप करके आएंगे कि 72 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड। इसका एक तरीका भी है चेंज करने का। तरीका क्या है? किलोमीटर पर आवर को बदलने के लिए किसमें? मीटर पर सेकेंड में 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई। लेकिन ये 5/18 आया कहाँ से है इसको भी हम समझ लेते हैं। 5/18 कहाँ से आया है इसको भी हम समझ लेते हैं। जब ये 36/1 किए किलोमीटर में, तो अगर सिर्फ हम किलोमीटर को अगर चेंज करें तो 1 किलोमीटर में 1000 और 1 घंटे में 3600 सेकेंड। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, कितना हुआ? 10/36 डिवाइड कर देंगे तो 5/18 कितना हो जाएगा? 5/18। तो अगर हमें ऐसे नहीं कर सकते हैं तो इसमें क्या कर दिया जाए? 5/18 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। क्या किया जाए? 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल इजी वे में आ जाएगा। देखिए सेकेंड टर्म लिखते हैं, सेकेंड थर्ड क्वेश्चन किया जाए। पहले का सेकेंड पार्ट इसने कर लिए, सेकेंड पार्ट आपको कमेंट करने के लिए हम बता दिए कि सेकेंड का आंसर लाइए और कमेंट करके बताइए हमें, ठीक है। अब हम क्वेश्चन थर्ड की बात करेंगे जिसमें लिखेंगे कन्वर्ट 20 मीटर पर सेकेंड × किलोमीटर पर आवर। हम बोल रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदल दिया जाए। किसमें बदला जाए? 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में। तो 20 मीटर पर सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड को बदलने के लिए सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हुआ तो 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर होगा। 1 आवर में 3600 सेकेंड हुआ तो 1 सेकेंड में 1/3600 सेकेंड होगा। इतना हावर होगा, सॉरी कितना होगा? इतना हावर। इसको ला के यहाँ पर हावर के नीचे डिवाइड कर दिए, 1 सेकेंड, इसको ला के किलोमीटर के नीचे डिवाइड कर दिए, 1 मीटर की बात कर लिए। चेंज किया जाए 20 × 1 मीटर में कितना? 1/1000 कितना होगा? 1/1000 डिवाइडेड बाई कितना? डिवाइडेड बाई 1/36 3600। अब ये ऊपर का ऊपर ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे कि a/b/c/d जब होता है तो अंदर का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बाहर का बाहर। इस सेम कंडीशन ऐसा दिख रहा है, लिखा है 20/1000 × 1/3600। अंदर का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमको मिलेगा 20 × 3600/1000 कितना मिलेगा? 1000।
एक दो तीन जीरो से एक दो तीन जीरो कैंसिल आउट और 36 में दो का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 किलोमीटर पर हावर कितना मिल गया, 72 किलोमीटर पर हावर, 72 किलोमीटर पर हावर जब 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर सेकेंड में बदले तो। देखिए तरीका क्या बताया था कि 5/18 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, 5/18 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर में तो किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, और जस्ट इसी का अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो मीटर मीटर पर सेकेंड को किसमें चेंज कर किया जा सकता है, 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर हावर में बदला जा सकता है। समझ में आया, ये आज का हमारा स्पीड का टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा कि अप्लीकेशंस ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में बात करें, ठीक है, समझ में आया, ओके, थैंक यू।